गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिपीटेड रिफ्लेक्शन. रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज वॉट अ सिग्नल ट्रैवलिंग अलोंग एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स विल बी पार्टली और होली रिफ्लेक्टेड बैक इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द ट्रैवलिंग सिग्नल एनकाउंटर्ड अ डिसकंटिन्यूटी इन द कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ द लाइन. व्हाई दिस हैपन? दिस कैन हैपन फॉर इंस्टेंट ऑफ इफ टू लेंथ ऑफ डिसिमिलर ट्रांसमिशन लाइन आर ज्वाइंट टुगेदर. First of all, if we are talking about the surge impedance is what? Surge impedance is the ratio of voltage and current, but this is also called V upon I characteristic. Let Z1 is what? If we are talking about the formulas of Rho1, Tau1, Rho2, Tau2 is what? Rho1 is what? Line to cable reflection factor. Rho2 is what? Cable to line reflection factor. Two things are there, line to cable and cable to line. Rho1 and Rho2. Rho1 is what? Line to cable reflection. Rho2 is cable to line reflection. Tau1 is line to cable transmission line, or Tau2 cable to line transmission factor. Okay, ab Z1, Z2, what is Z1 and Z2? Z1 surge impedance of the overhead line, Z2 surge impedance of the cable. Or then we derive this formulas. This formula is already we have discussed in previous videos, where open circuit line and short circuit line, lossy state or lossless state. If far end of the cable is open, then rho c is equal to 1 and tau c is equal to 0. ठीक है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिलोज लैटिस, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बिलोज लैटिस, इट इज़ अ सिंपल एंड कन्वीनियंट मैथड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ दीज मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन. रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज वॉट? इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ द पोजिशन ऑफ द डायरेक्शन इफ ऑफ एवरी इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव on the system. Every incident lattice diagram is the distance type graph. The distance along the system direction original surge is taken. Lattice diagram is we have seen here. Lattice diagram mein kya padhenge? Lattice diagram mein humne dekha ki ek taraf to overhead line hai. This is the overhead line and this is the cable. ये यहाँ पे हमारे डिस्टेंस हो गई. ये डिस्टेंस पे लैटिस डायग्राम शो हो रहा है. हमने टू पॉइंट्स देख लिए. टू पॉइंट्स इज व्हाट? ए, बी, सी एंड डी. ए पर हमारा सबसे पहले हम देख रहे हैं. ए पर क्या हो रहा है? पॉइंट ए पर E1 रेजिस्टेंस जा रहा है. उसके बाद इसने क्या किया है? रो वन क्या था? रो वन जो था वो हमारा था लाइन टू केबल रिफ्लेक्शन फैक्टर. ये लाइन है, ठीक है, ये केबल है. लाइन टू केबल रिफ्लेक्शन फैक्टर, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है. फिर उसके बाद जब हम रिपीट करेंगे इसको, तो ये यहाँ से यहीं से ही पहले तो यहाँ पर चला गया, तो रो1 ईवन फॉर्म में आ गया और यहीं से यही चीज़ रो1 ईवन के फॉर्म में आ गई. जब यहाँ पर ये पहुँच गया केबल पर, तो केबल टू लाइन जाना है, तो केबल टू लाइन में हमारा फैक्टर आ जाएगा. ट्रांसमिटेड होना है तो ट्रांसमिटेड के लिए टॉबन फैक्टर आ जाएंगे. तो टॉबन यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी टॉबन रो1 के साथ में ऐड हुआ, लेकिन यहाँ पर टॉ टू ई वन मतलब दो बार ट्रांसमिटेड, एक यहाँ से हुआ फिर यहाँ से भी ट्रांसमिटेड ही हो रहा है, तो टॉ टू ई वन, ठीक है. इसी तरीके से फाइनल आगे करते रहेंगे. ओके, अब भी यही सारी चीज़ें हमारे इस फिगर्स में दी हैं. इट इज़ द सिंपल कॉन्वीनियंट मैथड स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिगर शोज द लैटिस जिगजैग डायग्राम. इन द डायग्राम ए वी इज रिप्रेजेंटेड ओरिजिनल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ई1. एम्पलीट्यूड ई1 मतलब वोल्टेज ई1. द स्लोप ऑफ ए बी गिव्स वेलोसिटी प्रोपेगेशन अलॉन्ग द लाइन ओवरहेड लाइन. यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दी हुई हैं. ओके, तो आप इसको अच्छे से